नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिन्हा, मैं एक मनोचिकित्सक हूं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 अक्टूबर को हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह दिवस हर वर्ष हम इसलिए आयोजित करते हैं ताकि हम लोगों में मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता फैला सकें और उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रत्येक वर्ष एक नई थीम के संग आता है जो कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर आधारित होती है। तो इस वर्ष की जो थीम है वो है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, यानी कि पूरे विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य को सभी के लिए एक प्राथमिकता के तौर पर हमें डेवलप करना है और उसको लोगों तक पहुंचाना है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति का मन से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। WHO की परिभाषा भी यही कहती है कि यदि आप मन से स्वस्थ नहीं है तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व भर में जितने भी लोग मानसिक रोगों से ग्रसित हैं उसके 15% लोग भारतवर्ष में निवास करते हैं। 150 करोड़ की जनसंख्या का यदि 15% का आंकलन हम करें तो एक बहुत बड़ा नंबर आता है हमारे सामने, जो कि जो लोग किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित हैं। और ये सिर्फ 15% लोग नहीं है, ये सिर्फ वो उनका परिवार भी है जो कहीं ना कहीं मानसिक रोग के ऊपर डिपेंडेंट है और उसके पूर्णतः स्वस्थ न होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। मानसिक रोग अकेले में कोई कारण के अभाव में लोगों की बहुत मिथ्याओं से घिरा हुआ है। अक्सर लोग मानते हैं ये कोई भूत प्रेत का है या बाहरी कारण जैसे कि बेरोजगारी होना या पारिवारिक कलह होना या रिश्तों में असमानता होना, इसकी वजह से मानसिक रोग हो जाते हैं। सामाजिक कारण, फाइनेंशियल रीजंस, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, यानी कि वो उसको मानसिक रोग को होने में प्रभावी हो सकते हैं लेकिन वो उसके कारक नहीं है। तो लोगों में जरूरी है ये जागरूकता, ये पहचानना जरूरी है कि हम मानसिक रोगों को अन्य रोगों की तरह से ही लें और उससे जुड़ी मिथ्याओं से अवगत हों ताकि समय रहते हम अपने परिवारजनों का और अपने निकट संबंधियों का या जो भी हमारे संपर्क में व्यक्ति आता है और हमें ऐसा एहसास होता है कि वो मानसिक रोग से ग्रसित है तो समय रहते हम उपचार करें। पिछले 2 वर्ष से पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा है। कोविड के महामारी के बाद बहुत सारे परिवर्तन समाज में देखने को मिले हैं। लोग अपने अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई छूटी है, कई लोगों का रोजगार गया है, परिवारजनों को बहुत सारे हमने निकटजनों को खोया है और बहुत सारी विषम परिस्थितियों से पूरा विश्व जूझा है। और इसी के परिणाम स्वरूप हमने देखा है कि लगभग मानसिक रोगों में 25% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो अगर हम अकेले भारतवर्ष की बात करें तो मानसिक रोगों का जो प्रेवलेंस है, जो हम माने कि प्रत्येक 100 में से 10 व्यक्तियों को कोई ना कोई, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो प्रत्येक 100 में से 10 व्यक्तियों को मानसिक रोग देखने को मिलता था, तो आप पिछले कोविड के बाद ये संख्या 10% से बढ़कर 14% करीब हो गई है। तो जरूरी है इस समय में आपसी सहयोग, सरकार की सकारात्मक सोच, मानसिक रोगों के इलाज की उपलब्धता प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर ग्रास रूट लेवल तक उपलब्ध हो, लोग जागरूक बने और मानसिक रोगों को एक सहज रोग की तरह से स्वीकार कर समय रहते उसका इलाज कराएं। तो आइए इस दिन पर हम सब लोग मिलकर ये प्रण करें कि एक अच्छे स्वस्थ मन के लिए जो भी कदम आवश्यक हैं, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर, वैश्विक तौर पर जिन सकारात्मक कदमों की आवश्यकता है, हम उनको मिलकर उठाएं और संगठित रूप से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चेतना लोगों में जागरूकता फैलाएं और उससे जुड़ी मिथ्याओं को दूर करें ताकि हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।